महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में पार्टियों के दिग्गज धुआंधार रैली कर रहे हैं। एक तरफ विपक्षी दल बेरोजगारी, कृषि संकट और कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल 5 साल के कामकाज गिना रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा से, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस समेत कई दलों के दिग्गजों की रैलियां होने वाली हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 21 अक्टूबर को राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 4 रैलियों की कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में ये पहली चुनावी रैली है। इस रैली का असर राज्य की 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की बल्लभगढ़ रैली के बाद राज्य में 3 और रैलियां प्रस्तावित हैं। 15 अक्टूबर को वो चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र के थानेसर में रैली करेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को उनका हिसार में भी रैली का कार्यक्रम है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज हरियाणा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज फतेहाबाद, सिरसा और हिसार में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रदेश में आज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज नूह में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। राहुल गांधी के साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई बड़े नेता भी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह श्योराण इस वक्त भवानी से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं रविंद्र का। रविंद्र, आज कई दिग्गज हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। हरियाणा में पहली रैली उनकी यहाँ पर होने वाली है बल्लभगढ़ में, तो वहीं राहुल गांधी भी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अंकिता, देखिए चुनाव कि मैं मतदान के लिए 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बच गया है और आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यहां पर प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह यहां पहले रैलियां कर चुके हैं, उसके बाद तमाम केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का वो यहां पर अपने पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्लभगढ़ में रैली करेंगे, उसके बाद 4 और अलग अलग दिनों में 4 रैलियां उनकी निर्धारित की गई हैं, जो कि जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली डिवाइड किया गया है कि हरियाणा के चारों जो हिस्से मुख्य तौर पर हैं उनमें प्रधानमंत्री की रैलियों को रखा जाएगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह समेत कई अन्य जो वरिष्ठ नेतागण और कैबिनेट मंत्री हैं उन सबकी रैलियां यहां पर हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी अगर बात की जाए तो आज पहली बार कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी वो यहां पर एक रैली को हरियाणा में नूह में जो है वो संबोधित करेंगे। उसके अलावा कोशिश यहां पर रविंद्र की जा रही है तमाम दलों की तरफ से, तमाम दलों के दिग्गज आज चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जनता किसकी तरफ रुख करती है और किस पर विश्वास यहां पर जताती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कल अपना संकल्प पत्र 2019 जारी कर दिया। बीजेपी के महारे सपनों का हरियाणा नाम के संकल्प पत्र में किसान, गरीब, युवा और खिलाड़ी जैसे तमाम वर्ग का ख्याल रखा गया है। तो वहीं नागरिक सुविधाएं बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में रविवार को यह घोषणा पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र महारे सपनों का हरियाणा के जरिए बीजेपी ने राज्य में 1000 से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक डे केयर सेंटर स्थापित करने, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अंत्योदय मंत्रालय का गठन करना, युवाओं को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराना, युवा विकास एवं स्वरोजगार नामक एक नए मंत्रालय का गठन,
500 करोड़ रुपए खर्च करके 25 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने, जोखिम फ्री खेती किसान कल्याण नीति, सभी को सिंचाई सुविधा, हर खेत को पानी समेत कई वादे किए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन समाज के सारे इश्यूज को और सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने की कोशिश है। जहां तक किसान का सवाल है, किसान को कमाऊ और टिकाऊ बनाना है, वह कमाने लायक हो, उसकी आमदनी बढ़े और वो कृषि के क्षेत्र में टिका रहे। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में विभिन्न दलों के दिग्गज चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जलगांव में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया और इसके बाद उन्होंने भंडारा गोंदिया में भी चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की नीतियां और कार्यक्रम गरीबों के कल्याण पर केंद्रित हैं। किसान कल्याण की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिर्फ महाराष्ट्र में लाखों किसानों के बैंक खातों में 2000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। बांटने और छांटने वाली राजनीति अब अतीत हो गई है और इसका ट्रेलर आप सभी ने 2014 में दिखा दिया था और इस चुनाव में आप लोग पूरी फिल्म दिखा देने वाले हैं। जो काम करेगा उसको ही आपका विश्वास मिलेगा, ये अब सिद्ध हो चुका है। इससे पहले जलगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का फैसला जरूरी था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, भारत का मस्तक है। उन्होंने उत्तरी महाराष्ट्र के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा है कि पानी की परियोजनाओं को लागू करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर लिया गया फैसला भाजपा के उन संस्कारों का भी आईना है। हमारे वादों और इरादों में एक स्पष्टता भी है और वादों को पूरा करने का साहस भी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल कोल्हापुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासन में जहां महाराष्ट्र को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं दी गई, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 4,32,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने सतारा जिले के कराड में भी एक रैली को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने पुणे जिले के शिरूर तहसील में रोड शो भी किया। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कल महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लातूर जिले के ओसा में चुनावी सभा में बीजेपी नेतृत्व और मीडिया पर आरोप लगाया कि वो लोगों का ध्यान प्रमुख मुद्दों से हटा रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को जिताने की भी अपील की। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा महाराष्ट्र के दिल के अंदर है। ये जो प्रदेश है ये कांग्रेस पार्टी की नींव है, फाउंडेशन है। यहां पे आपके दिल के अंदर, आपके खून के अंदर कांग्रेस पार्टी की, हिंदुस्तान की विचारधारा भरी हुई है, उसको कोई निकाल नहीं सकता।